प्यारे बच्चों, आज मैं आपको छठी कक्षा की प्रश्नावली 1.1 का तीसरा और चौथा सवाल समझाऊंगी। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और सभी सवालों को अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। बच्चों, ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ए बी सी डी पार्ट में ये संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें इन संख्याओं के बीच में अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम या कोमा, अल्प विराम कैसे लगाते हैं? अल्प विराम ऐसे लगाते हैं, ये कोमा होता है ना, इसको बोलते हैं अल्प विराम। तो हमें इनको भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। भारतीय संख्या पद्धति की बात हम पिछले कई वीडियोज़ में भी कर चुके हैं, जिसमें इकाई, दहाई, जैसे इधर से दाई तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इकाई, फिर होता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर क्या होता है बच्चों, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। इस तरह से ये सिस्टम होता है भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने का। तो हमें इस पद्धति में इन संख्याओं को लिखना है, संख्या नामों को लिखना है और उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाना है। तो देखते हैं पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ तक दी हुई है, तो पहले तो हम इसमें अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा का एक ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक का, फिर हजार, 10,000 का ये हजार ग्रुप है, फिर ये लाख और 10 लाख का एक ग्रुप है, फिर करोड़ का, और आगे अगर 10 करोड़ हो तो उसका एक ग्रुप है, यानी कि ये 3 का ग्रुप, फिर 2, फिर 2, फिर 2-2 के ग्रुप चलते हैं, बाएं हाथ की तरफ बढ़ते जाते हैं, 2-2 के ग्रुप चलते हैं। तो हमें अल्प विराम ये जो ग्रुप हैं इनके इनके तहत ही लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, पहले तो हम अल्प विराम लगाएंगे। 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर 3 का ग्रुप इस साइड है, सबसे पहले इकाई ग्रुप, 3 के बाद कोमा लगा देते हैं। दाएं हाथ की तरफ से गिनना शुरू करना है बच्चों, फिर 2 के बाद लगाना है 5 और 9 के बाद, क्योंकि ये हजार का ग्रुप है, फिर ये लाख का ग्रुप है, लाख और 10 लाख का यहाँ लगाना है। तो इस तरह से 3, 2, 2, ऐसे हमें अल्प विराम या कोमा लगाना है। अब हम इनका संख्या नामों को लिख देते हैं, जैसे संख्या नाम लिख देते हैं इसका हिंदी में, संख्या नाम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी कि संख्या करोड़ तक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 8 करोड़, 8 करोड़, करोड़ की जगह पर 8 है ना, तो आगे क्या है, 75 लाख, 75, पीछे है तेरे, 75 लाख, ये क्या है, हजार के स्थान पर 95, तो यहाँ लिखेंगे 95,000, 95,000। आगे क्या है, इकाई ग्रुप में 762, 762। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये यहाँ पर इसके अंदर अल्प विराम या कोमा लगा दिया और इस संख्या का नाम लिख दिया, 8,75,95,762। और आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब हम ऐसे हिंदी या अंग्रेजी में इनका नाम लिखते हैं तब इनके बीच में कभी भी कोमा या अल्प विराम नहीं लगाया जाता। अब हम अगली संख्या को देखते हैं। तो अगली संख्या में पढ़ते हैं कि ये कितने तक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये है 85,86,283। तो सबसे पहले इसके अंदर हम अल्प विराम लगाते हैं, तो
इसको सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर कोमा लगाने के लिए दाईं तरफ से अक्षर गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 यहाँ, फिर 1 2, फिर आगे और अक्षर नहीं है इसलिए यहाँ तक ही आएगा। अब हम इनका नाम लिख देते हैं, संख्या का नाम। नाम तो इसके अंदर बच्चों इकाई ग्रुप में है तीनों, फिर हजार ग्रुप, फिर लाख का ग्रुप है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 8 5 को लाख के ग्रुप में से 85 लाख, 85 लाख, ये 46 हजार का ग्रुप में से है, तो 46 हजार, फिर 283। तो इस तरह से हमने इस संख्या का नाम लिख दिया और अल्पविराम लगा दिए हैं। अब हम अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से संख्या दी हुई है, इसके अंदर पहले हम अल्पविराम लगाएंगे। देखो सबसे पहले हम दाईं तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 3 के बाद इकाई का ग्रुप, फिर हजार का ग्रुप 2, फिर ये लाख का ग्रुप, यानी कि संख्या लाख 10 लाख करोड़ तक है। अब हम इस संख्या का नाम आसानी से लिख सकते हैं। पहले आप इनके बीच में कोमा लगा लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ तक संख्या कितनी बड़ी है। तो अभी देखो इकाई ग्रुप, फिर हजार, फिर लाख, फिर ये है करोड़, तो ये है 9 करोड़ 99 लाख। अब बच्चों देखो आप कि हजार की जगह पर कुछ नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो नहीं लिखनी होती है। फिर सैकड़ा की जगह पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा क्या आ जाएगा, 46, 9 करोड़ 99 लाख 46। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या में अल्प विराम लगाए और इसका नाम लिखा, और जहाँ पर जीरो है उसको लिखना, उसको हम नहीं लिखते हैं, उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। अब हम अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली संख्या में पहले हम कोमा लगाएंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। तो कोमा लगाने के लिए बच्चों पहले हमने संख्या ज्यों की त्यों लिख ली, फिर इधर से गिनते हैं दाईं तरफ से, 1 2 3, फिर 1 2, दो दो का ग्रुप है ना, फिर हजार ग्रुप, फिर ये लाख ग्रुप 2, अब ये क्या है करोड़ में, तो ये हो जाएगा 9 करोड़। अब संख्या का नाम लिखते हैं, संख्या का नाम 9 करोड़ 9 करोड़ 84 लाख, देखो लाख की जगह दोनों भरी हुई हैं, तो इसको बोलेंगे 84 लाख 84 लाख, फिर आगे क्या है हजार के ग्रुप में 32, तो इसको बोलेंगे 32 हजार 32 हजार, आगे है 701 701। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में क्या सीखा, भारतीय संख्या पद्धति में ये कहाँ कहाँ अल्प विराम लगाए जाते हैं, अल्प विराम, और फिर संख्या का नाम लिखना सीखा। थैंक यू बच्चों, अगर आपको वीडियो में समझ में अच्छे से आ रही है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।